वो आप सीधा करें उल्टा करें, लेकिन कर्म आप करेंगे ही करेंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक है। और उसके साथ लेकिन मृत्यु करके उसे इस तरह से कर्म करना है, इस बात का हमारे शास्त्रों ने ज्ञान दिया है। और उसमें कहा गया है मत्वा कर्माणी संवेदी, मत्वा का मतलब होता है मनन करके, सोच समझ करके कर्म करना। जो सोच समझ के कर्म करता है वही मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य नहीं है कि हमें तुम्हारा ढांचा इस किस्म का है। मत्वा कर्माणी श्रीयसी, ये मनुष्य की परिभाषा है, मनुष्य की परिभाषा है, ये यूं समझ लीजिएगा। जो सोच समझ के कर्म करता है समाज के नियमों के अंदर यही चीज बाधित की है। सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अभिशाप है विद्यार्थी जगत के ऊपर जिसको बच्चों को भूलना होगा। बच्चों याद रखें कर रहे हैं उनको वे सभी बधाई के पात्र हैं जो इसमें एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि कई महीनों की मेहनत से यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उस उनके माननीय मुख्य अतिथि महोदय पंडाल में पंडाल आते हुए निरीक्षण कर रहे हैं उनके। स्टालों का निरीक्षण कराते हुए उनके साथ और बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत से, इन कर्मचारियों ने इतनी मेहनत से इन स्टालों को लगाया है और इनका प्रदर्शन करने हेतु उनके द्वारा उपकरण है उनका निरीक्षण कर रही हैं। मैं एडीसी आपके सामने मंच पर उपस्थित हैं। गीता स्तुति एवं महिमा मेघा एंड पार्टी, ये बच्चे आपके सामने उपस्थित हैं। है
उस समय उस पुत्र का क्या कर्तव्य है, मृत
छलिया पर लेते हुए अपने पिता की कंठ में पानी की बूंदें डालना या फिर अपने गांव की अपहरण हुई लड़कियों की रक्षा करना। यह ध्यान देना है कि उसका कर्तव्य क्या है, जो आवाज उसके अंतर आत्मा से आए वही उसका निर्णय होगा। यह पाठ कर्तव्य ही सर्वप्रथम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजा महान्। Come on.
कुल जमुना लागे।